ट्रेन में मेरी कैंटीन वालों से लड़ाई हो गई। सो यहाँ पे मैं तैयार हो गया गुजरात जाने के लिए, इसलिए मिठाई लेने के लिए मैं पहुँच जाता हूँ अपनी फैक्ट्री पे, जहाँ मेरे चाचू मुझे दबा के मिठाई देते हैं। और मिठाई लेके मैं बहुत खुश हो जाता हूँ क्योंकि मुझे मिठाई बहुत पसंद है। सो अब समय हो चुका है स्टेशन जाने का, एंड मेरा जाने का मन नहीं है, लेकिन क्या करें यार, जाना तो पड़ेगा। सो ये लोग पहुँच गए हम लोग स्टेशन पे, एंड हमारी ट्रेन भी आके लग चुकी है। तो आओ चलो चलते हैं ट्रेन के अंदर। ट्रेन में बैठते ही मुझे बहुत तगड़ी वाली नींद आने लगती है, इसलिए मैं सो जाता हूँ। एंड फिर मेरी सुबह में नींद खुलती है 7 बजे। वैसे काफी मस्त नींद आई थी यार रात में। तो भूख लगती है तो नाश्ते की तलाश में मिलता है हमें ये अमरूद और अंगूर, जिसको खा के मुझे थोड़ी राहत मिलती है। टाइम पास करने के लिए बीच बीच के स्टेशन पे उतरता रहता हूँ। कुछ देर बाद हमें गंगा माँ के दर्शन होते हैं। एंड सच में यार ये नदी बहुत बड़ी है, फिर कभी आएंगे यहाँ नहाने के लिए। शाम को मेरी कैंटीन वालों से लड़ाई हो जाती है क्योंकि उनका बंदा मुझे 80 रुपए की चीज 130 रुपए में देता है। मेरे बोलने पे ये मान जाते हैं और मुझे पैसे वापस कर देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आवाज जरूर उठाना। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।